समाचार के साथ मैं हूं पीडीटी। हालांकि बीच में धर्म परिवर्तन कराए जाने की खबर सोशल मीडिया पर आई, जिसके बाद यहां हिंदुवादी संगठन के लोग पहुंच गए। उसके बाद की तस्वीरें किस तरीके की रही और पूरे प्रकरण में असली बात क्या रही, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। मिट्टी की चौक से दीवार पर हाथ से बनाई यीशु मसीह की तस्वीर, हालेलुया की जय बोल, पिछले कई वर्षों से इस गांव में धर्म का ज्ञान बांटा जा रहा था। लेकिन 25 दिसंबर को कुछ ऐसा होता है जो इस दीवार पर बनी तस्वीर और धर्म का ज्ञान बांटने वाले लोगों को अंदाजा नहीं हो सकता था। 25 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि मैनपुरी के किसनी क्षेत्र के गांव नकला बक्ती में एक बाबा धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो सूचना पर पुलिस और हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग महज पूछताछ के लिए पहुंच जाते हैं। पर वहां जो होता है वो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा था। अब जरा पूरा मामला तस्दीक से समझ लीजिए। दरअसल मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के गांव नकला बक्ती में धर्मांतरण की सूचना पर पहुंची हिंदूवादी संगठन के लोगों व पुलिस चौकी पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। सभी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बवाल की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। एसपी ने बताया कि अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। कुसमरा चौकी क्षेत्र के गांव नकला बक्ती में पूर्व प्रधान प्रेमा देवी जाटव के घर 71 वर्षीय मामा मेवाराम निवासी बहुसी थाना इंदरगढ़ करीब 30 वर्षों से रह रहे हैं। वह खुद को बाबा बताते हुए लोगों का उपचार करने का भी दावा करती है। इसके चलते पूर्व प्रधान के यहाँ भी भीड़ रहती है। गांव में कुछ लोग मसीह धर्म के अनुयायी भी हैं। शनिवार को कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग चौकी पुलिस के एक दरोगा व दो सिपाही के साथ नकला बक्ती पहुंचे। उन्हें क्या मना रहे हैं आज? नहीं, वो बना अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा, अपना जन्मदिन? जी जी जी। आप बाबा जी क्या काम करते हैं यहाँ पे? क्या काम करते हैं? जन्मदिन कितना है? क्या काम करते हैं आप? हम 1950 है। हम तो यही है, संतों के साथ घूमते रहते हैं, संतों के साथ में सेवा करना हमारा है। संतों का बाबा जी, आपकी जन्मतिथि तो जनवरी है, आप 25 दिसंबर कैसे मना रहे हैं? नहीं, वो अब ऐसा ही कर दिया। आपसे नहीं पूछा जा रहा है? आप लोग बीच में ना बोला कृपया करके कोई भी। आपका जन्मदिन तो जनवरी महीने में होता है, तो आप ये 25 दिसंबर को कैसे मना रहे हैं? 25 दिसंबर का मनाते हैं। क्यों, कारण क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजरानी है, मैं हिंदू धर्म से हूँ। नहीं, यहाँ रहने वाली कहाँ गई आप? मैं यहाँ से मतलब कुसमरा से 9 किलोमीटर आगे ग्राम गिरधरपुर पड़ता है, नंगला लक्ष्मणपुर में, वहाँ की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो मेरा नाम राजरानी है। मैंने मतलब बहुत से मूर्त पूजा की सारा सब कुछ किया। जो परमेश्वर जिसके जीवन में कार्य करता है उसकी गवाही तो देना जरूरी है, क्योंकि सबका लेखा परमेश्वर लेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। आपका परमेश्वर कौन है? मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, सर्व शक्तिमान जीवित परमेश्वर, खुदा का बेटा यीशु मसीह। मामला धर्मांतरण का चल रहा है, वो भी आज से नहीं चल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 100% इसमें इन्वॉल्व कहीं न कहीं प्रशासन भी है, क्योंकि महीनों से सालों से जो धंधा चल रहा हो, मैंने आज देखा वहां जो घटनाक्रम उनका इतना जबरदस्त था कि मैं जनपद मैनपुरी की ही नहीं, अन्य जनपदों से लोग बुला करके, और ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा था।
जब मुझे इस घटना की सूचना मिली मेरे भाई आदित्य पांडे जी के द्वारा, आप पहले से मौजूद थे। मैं कुरावली में रैली का प्रोग्राम चल रहा था, मैं कुरावली में था। मैं कुरावली से जब घटना स्थल पर पहुंचा तो स्थिति इतनी गंभीर थी कि हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो हम लोग मार दिए जाएं। प्रत्येक घर में लाठी डंडे तमंचे वो पूर्ण तरीके से माहौलमय थे। जब हम लोगों ने कई बार उनसे कहा भी कि ये जो घटनाक्रम आपके यहाँ चल रहा है, लोगों से पूछा जिसके एविडेंस मेरे पास उपलब्ध हैं और एविडेंस के आधार पर ये आज से नहीं चल रहा था, ये महीनों से चल रहा था और जो चलते चलते घटनाक्रम इतना रूप ले चुका है कि वहां जो फोर्स की गाड़ी थी उस पर भी पथराव हुआ, वो भी भागे। जिनके वीडियोस मेरे पास अवेलेबल हैं जी, किसके यहाँ धर्मांतरण हो रहा था उसके संबंध में हमारे आदित्य जी आपको अवगत करा चुके हैं। मैं बार बार उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो घटनाक्रम जिस जोरों से चल रहा है, मैं आप मीडिया भाइयों के माध्यम से प्रशासन को भी ये चीज बताना चाहता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और हमारे कई संगठन हैं उग्र आंदोलन करने पर मजबूर कर देंगे। इस बार जब आप गांव फंसे थे तो आपकी कोई किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई? पुलिस अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है जिसकी ऑडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं आप पत्रकार बंधुओं को। जिस तरीके से हमसे वार्तालाप की गई वो अमर्यादित है। मैं हिंदू जागरण मंच का अध्यक्ष हूं, मुझे संगठन ने कोई कार्य दिया है, मैं उस कार्य को करने के लिए उस ग्रामीण क्षेत्र में गया था, न कि मैं वहां दंगा लगवाने गया था। यहाँ प्रशासन के लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि कौन से वाले मूवमेंट पे आप कार्य